तो फिर हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडोर गेमर्स। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं वही पुराना और पॉपुलर गेम फ्री द फायर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सॉरी दोस्तों, लेकिन अभी थोड़ी टेंशन चल रहा है क्योंकि एग्जाम्स भी सर पर है और पिछले दिनों से वीडियो भी नहीं आ रही, इसका कारण यही है। और सिचुएशन इंडिया में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है कोरोना केसेस के कारण, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। और ये डिफरेंट कंटेंट आप कह सकते हो कि मैं हर बार क्लैश स्क्वाड क्यों खेलता हूँ। अभी क्लैश स्क्वाड मैं नहीं खेल रहा हूँ, अभी तो मैं स्पेक्टेटर मोड में हूँ। अभी ये लोग खेलेंगे स्क्वाड वी स्क्वाड। आप एंड तक देखते रहे, आप मेरा गेम प्ले तो देखते ही होगे हर बार। अब इस बार आप इन सब का देखेंगे अभी क्या होता है। सो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। इस वीडियो में कस्टम स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का है और इस सबको मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। ये SSG तो मेन, आपने मेरे गेम प्ले में देखा होगा ये शूट है SSG तो मेन। ये मिस्टर JNB जयमिन निमेश भट्ट, और जयमिन उसका भी यूट्यूब चैनल था, मतलब अभी पोस्ट नहीं करता लेकिन अभी है, मतलब वो इसमें वीडियो पोस्ट नहीं करता और बहुत ही OP खेलता है ये बंदा। अभी तीसरे बंदे को ये आर्यन, ये भी उसको देखते होंगे मेरे गेम प्ले में आर्यन। अरे ये गया, मुझे पता था ये गया। तो अभी जाते हैं दूसरे स्पेक्टेटर के ऊपर, लेकिन ये किसने मारा है? और ये XST Hellfire, ये बंदा मेरे साथ बहुत ही OP खेलता है ये भी, लेकिन यहाँ पे उसका जादू नहीं चला और यहाँ पे एक राउंड जीत गए। अभी पता नहीं जी क्या होता है। यहाँ पे पहले ही राउंड में XST Hellfire यानी कि मलर की टीम हार गई है, लेकिन वो बंदा बहुत ही OP खेलता है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि मैं बात नहीं कर सकता। वो एक अकेला बंदा कितने पर, चार चार बंदे पर कैसे चढ़ सकता है। और उनके टीम में भी जयमिन यानी कि JNB और डेविल बहुत ही, अरे मैं वर्ड्स में कह भी नहीं सकता, बहुत ही जब्बर खेलते हैं। अभी मैं लास्ट राउंड में तो मतलब अकेला ही बचा था और सामने की तरफ दो दो बंदे बचे थे, इसलिए वो क्या कर सकता है, उसकी LP कम हो गई थी। लेकिन अभी वो आ गया है अपने स्वरूप में। अब वो, अरे यार एक बंदे को नॉकआउट भी कर दिया उसने, भाई साहब क्या मारा है उनकी टीम, ये देखो। और ये बंदा लूज़र मी यानी कि मंथन भाई, वो बहुत ही OP खेलते हैं, वो भी OP खेलते हैं, उसके पास लीजे आलोक है। लेकिन अभी तो कैरेक्टर स्किल नहीं रखी है क्योंकि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए ना। कुछ के पास कैरेक्टर स्किल, कैरेक्टर वुकोंग होगा, क्रोनो होगा या फिर डीजे आलोक होगा, लेकिन सबके पास नहीं है ना इसलिए। और यहाँ पे वन टैप की भरपूर कोशिश है लेकिन वो कोशिश नाकामयाब में बदल गई। और सामने की तरफ उसको बहुत ही मतलब क्या 500 में क्या मैं बहुत ही मतलब कम 200 HP में ज़्यादा डैमेज भी मिला और 500 HP में कम डैमेज। और यहाँ पे भरपूर कैंपिंग, कैसी कैंपिंग करके बैठा था ये बंदा, भाई साहब जब्बर। ऐसी कैंपिंग तो मुझे भी सीखनी पड़ेगी यार, मुझे भी बुई चाहिए। जबरदस्त कैंपिंग करके बैठा था ये बंदा। अभी ये अकेला बंदा और सामने के तीन बंदे, और यहाँ पे उसको नॉकआउट कर दिया, लेकिन वो भी क्या कर सकता था। और यहाँ पे स्कोर्स लेवल हो चुके हैं 1-1। अभी चलते हैं नेक्स्ट राउंड में। और अभी JNB की बारी, JNB और डेविल यानी कि चेनिल भी बहुत ही मस्त खेलता है यार। मैं वर्ड्स में कैसे बताऊँ, मैं उनके टीम के बंदे मलॉय यानी कि वो टीम का कैप्टन है मलॉय, XST Hellfire और SSD द मेन यानी कि शुभ, फिर मानो 2806R यानी कि मानो है, और लूजर मी यानी कि मंथन। अब ये टीम में डेविल यानी कि जनिल कैप्टन है, और JNB यानी कि जयमिन जिसकी यूट्यूब चैनल है और वो वीडियो पोस्ट नहीं करता। आपको सब्सक्राइब करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और ये बांग यानी कि आत्मा, और आर्यन को जानती होगी क्योंकि मेरे साथ बहुत ही खेलता है, ये भी मेरे साथ बहुत ही खेलता है बांग आत्मा नाम है। लेकिन यहाँ पे ये नॉकआउट हो गया है। और ये सुब का पेनल्टी डबल, और ये मानो को पेनल्ट मिला लेकिन सही तरह से ग्लू का इस्तेमाल कर लिया। और ये गया
का दिन। अरे भाई साहब क्या मारा है, जबरदस्त आर्यन ने मारा है, बहुत ही ओपी मारा है। और यहाँ पे उसकी लाइफ आधी हो चुकी है और रेनिंग पे नॉकआउट हो गए, ये भी नॉकआउट हो गया, आर्यन भी नॉकआउट हो गया। अभी 1v3 भाई साहब बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला है, 110% लिख के देता हूँ। एक बंदा अकेला किस पर, अरे भाई साहब मर गया। अबे एक बंदे, अबे भाई साहब लॉल इमोट दिखा रहा है ये देखो। और यहाँ पे एग्जस्ट हेल फायर यानी कि मलय ने कम बैक बहुत ही ओपी किया और लीड ले लिया एक के साथ। तो अभी देखते हैं इन लोगों की स्ट्रेटेजी। यहाँ पे इनकी स्ट्रेटेजी बस एक ही है, सब एक साथ चलो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब यूनिटी डाइवर्सिटी क्या है, यूनिटी सब में, विविधता में एकता है, सभी के सभी एक साथ चल रहे हैं। यानी कि कोई भी एक बंदा मर जाए तो तरह रिवाइव दे सकते हैं। और यहाँ पे 500 की HP रखी है कस्टम के लीडर ने, उनका लीडर मैं नहीं हूँ, आर्यन नाम का बंदा है ना वो, उसने बनाए कस्टम। और यहाँ पे उसको बहुत ही डैमेज मिला, लेकिन कोई बात नहीं, मशरूम से वो डैमेज रिकवर कर लेगा। और यहाँ पे ये बंदा एकदम डिफरेंट डिफरेंट की जगह है, तो उनके तीन चारों चार बंदे एक की जगह पर है। और एक भी ग्रेनेड क्या कर सकते हैं, 300 से ज़्यादा डैमेज नहीं दे सकता। और यहाँ पे 500 की HP रखी है, इसलिए ग्रेनेड भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी बहुत ही ओपी है, क्योंकि ग्रेनेड भी कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता और चारों चार बंदे एक साथ रहेंगे तो वो भी ओपी है। और यहाँ पे सिर्फ दो बंदे, और एक बंदा इनका नॉकआउट भी हो गया, आत्मन भाई नॉकआउट हो गए। अरे भाई साहब दो बंदे नॉकआउट, भाई भाई आप क्या खेल रहे हैं, डेविल कैप्टन नॉकआउट हो गया है भाई साहब, बांग बांग आत्मन नॉकआउट हो गया और कैप्टन भी नॉकआउट हो गया। और उनका बंदा एक तो कन्फर्म किल कर लिया है उन्होंने, लेकिन अभी ओपी चलो रिवाइव कर दिया है। लेकिन अरे भाई साहब आर्यन नॉकआउट हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे रेनी भी नॉकआउट हो गया है भाई साहब, 1v2। और इनकी भी स्ट्रेटेजी सेम ही रहने वाली है, क्योंकि चारों चार बंदे एक साथ ही रहेंगे और वो भी अच्छा है उन लोगों की टीम की तरफ से। और यहाँ पे दो बंदे इधर है, आत्मन और जयमीन, और दो बंदे पता नहीं कहाँ हैं, और ये आत्मन और ये जेनिल को स्पेक्टेट करते हैं। जेनिल और आर्यन दोनों भी यहाँ हैं, दोनों कैंपिंग करके बैठे हैं और वहाँ भी, लेकिन वो उनके चारों चार बंदे एक साथ आ गए और आत्मन भाई क्या हो रहा है भाई साहब, उनकी भी हेल्थ कम हो गई है, अभी तो बहुत ही मुश्किल हो, बहुत ही मुश्किल है भाई साहब, चारों चार बंदे एक साथ, एक बंदे के पर, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, पैर ऊपर के कूद गए, चलो कोई बात नहीं, ये भी राउंड हार जाएंगे यार भाई साहब, क्या मनोहर भाई क्या खेल गए, फर्स्ट बार उन्होंने किया। और यहाँ पे 500 की HP रखी है भाई साहब, तीन बंदे नॉकआउट, अभी एक डेविल भाई बच्चे, आर्यन भाई और डेविल भाई मर गए, जबरदस्त कमबैक किया है उन्होंने। अभी इस टीम की स्ट्रेटेजी को देखते हैं, इस टीम में अभी मंथन भाई को स्पेक्टेट कर रहा हूँ मैं, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि वो डर नहीं रहे किसी से भी, और मुझे पता था कि ऊपर चढ़ जाएंगे। और किसी से आत्मन भाई ने AWM ले लिया है, और ये डेजर्ट ईगल का लग रहा है, और ये आत्मन ने AWM चला रहा है, लेकिन एक भी शॉट नहीं लगा है अभी तक तो, और ना तो बंदा नॉकआउट नहीं हो जाता, लेकिन बहुत ही डैमेज मिलता है AWM का, और सही भी है, 500 HP में AWM का डैमेज बहुत ही मस्त मिलता है। और यहाँ पे इसने छोटा लिए, हमने हमारे गुजराती में उसको छोटा कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हो, छोटा मतलब ये शॉट गन। और यहाँ पे डेविल ने स्कार क्यूपिड स्कार और 5.8 गन वाली, और यहाँ पे मलय ने बहुत ही ओपी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, वो जब जंप था यहाँ पे उसको डैमेज दिया क्यूपिड स्कार से, जबरदस्त खेल रहा है ये बंदा, MP40 दोनों ही ओपी गन के साथ खेल रहा है बंदा। लेकिन यहाँ पे कोच डैमेज मिला, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो डायरेक्ट रश करने के लिए जा रहा है। और यहाँ पे ओ बंदा आत्मन भाई नॉकआउट भी हो गए, अरे भाई साहब क्या खेल रहे हैं ये लोग, फर्स्ट ब्लड, एक बंदा तो गया अभी, 3v4 और दो बंदे, और ये मलय भाई भागो, दो बंदों के ऊपर कैसे मार पाओ, अभी 2v2 इक्वल हो गए। और यहाँ पे सुंदर भाई यानी कि मंथन भाई नॉकआउट हो गए, और यहाँ पे 2v1, अरे भाई साहब ये इनको स्ट्रेटेजी बहुत ही ओपी है, 2v3 तो पाल, अरे भाई साहब 2v2, अरे 1v2 भाई साहब क्या स्ट्रेटेजी से खेल रहे हैं ये लोग,
अरे भाई साहब वन डे में कैप्टन भी कैप्टन जबरदस्त खेल रहे ये लोग। अरे भाई साहब क्या इस्तेमाल किया है जोन में जेनिल को डैमेज। यहाँ पे उनकी स्ट्रेटेजी तो बहुत ही मस्त है, ये टीम की स्ट्रेटेजी यानी कि मलाई टीम की स्ट्रेटेजी बहुत ही ओपिक तरह से खेल रहे। अभी बहुत ही 4 पॉइंट की लीड उनके पास है, अभी 2 पॉइंट जीत जाएंगे तो गेम उनके नाम पे होगा। और यहाँ पे जेनिल की टीम क्या कर रही है मुझे कुछ नहीं पता। अभी ये लोग कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं कुछ नहीं पता, स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। अबे भाई साहब ये देखो आर्यन ऐसे ही रश करना है, बंदा गया, 2 बंदे नॉकआउट भी कर दिए भाई साहब, क्या पलक झपकते ही 2 बंदे नॉकआउट और उनकी टीम का 1 बंदा नॉकआउट। अभी वो रिवाइव करने जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं। अबे भाई साहब ये गया 4 KHP से लड़ रहा है, 100% हो गया। अबे अरे यार 1 vs 2 1 vs 1 ऊपर से मार, ऊपर से जल्दी मारो। अब बस हेडशॉट दो, हेडशॉट देने का चांस है, रिवाइव कर दिया और हेडशॉट भी दे दिया जबरदस्त 1v1। यहाँ पे यार एक ने कर दिया और यहाँ पे फिर से 1v1 देखने का मुझे बहुत ही आता है, इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटमेंट फील करता हूँ 1v1 में जबरदस्त। और पीछे देखो भाई साहब, अरे भाई किधर गए हो तुम, अरे मानो है और यहाँ पे मानो भी अच्छा चल रहा है। अरे भाई साहब हेडशॉट के साथ ट्रिपल किल, अरे भाई साहब नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन जबरदस्त खेले आत्मन। लेकिन अभी भी लीड मलाई की टीम के पास है, 3 पॉइंट की लीड है। और यहाँ पे मलाई को स्पेक्टेट करते हैं, उसका लेवल 62 और बेजिस 276। भाई साहब ये बंदा है या फिर मशीन है बंदे की, क्या खेल रहा है। बेजिस टू मेरे अभी तो 100 भी हुए, उसके पास तो 300 को पहुँचने किया है। और यहाँ पे मंथन भाई को स्पेक्टेट करते हैं, उनके लाइक्स कंपैरिजन में कम है लेकिन वो भी अच्छा खेल रहे हैं। डायरेक्ट रश करने, ये देखो नेड यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, नेड अलाउड है, डैमेज भी दिया है भाई साहब, डैमेज भी दिया है, नेड अलाउड है क्योंकि लिमिटेड एमो है, अनलिमिटेड एमो होता तो शायद नेड नहीं अलाउड होते। लेकिन फिर से आगे की अरे गया 110% गया, किधर किधर, अरे भाई साहब क्या कम भी ज़्यादा। और यहाँ पे जेनिल की टीम बहुत ही कम बैक करते हुए जबरदस्त खेल रहे हैं। यहाँ पे जेनिल की टीम 1 बंदा ही बाकी है और 2 vs 1 जीत जाएगी भाई जेनिल की टीम, क्योंकि दोनों के दोनों कैप्टन अभी भी जिंदा है, इसलिए भाई साहब जीत गए। और पिछले राउंड के विनर आत्मन भाई साहब क्या हेडशॉट दिया था, सैल्यूट है यार, वो हेडशॉट तो भूलने लायक भी नहीं था और ट्राई वर्सेस सोलो था, इसलिए जबरदस्त खेले आप। और यहाँ पे चार बंदे एक साथ ही, उनकी स्ट्रेटेजी भी अभी तक सही नहीं है, अभी तो चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि जेनिल भाई की टीम भी बहुत ही अच्छा खेल रहे। और यहाँ पे तीन बंदे यहाँ पे रश करने के लिए आ रहे हैं और ये मलाई तो आप ही गया है, अरे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया आपने यार, ऐसे ही मर जाओगे आप जोन में। अरे भाई साहब गया, और पीछे से आर्यन ने शानदार रश किया भाई साहब, आर्यन ने जबरदस्त रश किया लेकिन वो भी नहीं ज़्यादा बच पाएगा क्योंकि उसकी भी एज बहुत ही कम है। अरे भाई साहब मुझे पता था, लेकिन कोई बात नहीं, 2 vs 2 vs 1। यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गई है और यहाँ पे मलाई की टीम का भी रश भी आ गया है दोनों की तरफ से, दोनों साइड की तरफ से भाई साहब। और यहाँ पे मंथन भाई कंफर्म कर दो और यहाँ पे स्मोक भी कर दिया, अच्छी स्ट्रेटेजी अब अच्छी तरह से खेल रहा है लेकिन सामने की तरफ मानो था। और यहाँ पे दो बंदे भाई साहब मलाई और तो डूब गया, अभी 1 vs 1 गया, हार गए। अभी तो जेनिल की टीम को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अभी एक भी चूक हो गई तो जेनिल की टीम ख़त्म, टाटा गुड बाय गया। और एक भी बंदे की लापरवाही की वजह से पूरी टीम सत्यानाश हो सकती है, इसलिए कुछ ना कुछ तो कसम खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे मानो को ओपी डैमेज देते हुए आत्मन और यहाँ पे नेट फेंका लेकिन उसने कुक नेट किया, लेकिन कुक नेट यहाँ पे नहीं आ सकता इसलिए आत्मन बच गया।
और यहाँ पे आत्मन को मानो को बहुत ही डैमेज मिला है, और एक बंदा नॉकआउट भी हो गया, शुभ नॉकआउट भी हो गया है, और मलय अभी भी जिंदा है इसलिए कुछ कह नहीं सकते। और ये आत्मन ऊपर अभी भी है, वो रश करने के लिए वेट कर रहा है, और दो बंदे नॉकआउट, मलय नॉकआउट हो गया ऐसा सबसे बड़ी अचीवमेंट है इनकी टीम की, मलय नॉकआउट हो गया है, क्योंकि मलय अभी तक जिंदा था तो उनकी तरफ से बहुत ही लोग का। और यहाँ पे टू वर्सेस टू जबरदस्त सिचुएशन में है, यहाँ पे आगे भी जिंदा है, जनरल तो मर गया और यहाँ पे मानो ऐसे ही रश करने के लिए आ गया है दोनों बंदे के बीच में, और उसकी हेल्थ बहुत ही कम है। और पीछे से कौन आ गया, पीछे से कौन था वो, मानो गया टू वर्सेस वन, हार गए, मलय की टीम हार गई 110%, क्योंकि उस टीम की हेल्थ भी कम होगी भाई साहब। मंथन एक बार तो नॉकआउट हो गया था इसलिए उसकी टीम की हेल्थ भी बहुत ही कम थी। अभी मलय को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जेनिल की टीम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि पहले 1 और 6 था, 1 और 5 था, फिर 2 और 5 हुआ, फिर 2, 4 और 6 हुआ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ करने का पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 6 और 6 हो जाएगा, इसलिए अभी मलय की स्ट्रेटेजी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए, फिर भी वही के वही राउंड हुआ आया है। और यहाँ पे डैमेज मिला, लेकिन यूवर का बहुत लोग इस्तेमाल किया, और एक बंदा नॉकआउट भी हो गया भाई साहब, दो बंदे नॉकआउट हो गए। और यहाँ पे ग्लूवर के पीछे चिपके हुए बहुत ही ज़बरदस्त खेले, 3 बंदे नॉकआउट, और मलय अकेला ही बंदा बाकी है भाई साहब, गया मलय गया, अरे 13 HP पे खेल रहा है ये बंदा है भाई साहब, अरे गया भाई साहब, क्या खेले, एक साथ 3 बंदे नॉकआउट कर दिए। अभी मलय की टीम के पास 1 ही पॉइंट की लीड है, अभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 पॉइंट करना होगा, क्योंकि जेनिल की टीम बहुत ही अच्छी तरह से उसके पीछे पड़ रही है। और यहाँ पे 3 बंदे यहाँ पे, तो यानी कि आत्मन किधर गया, आत्मन उधर है भाई साहब, अकेला बंदा उधर, उसको स्पेक्टेट करते हुए देखते हैं। अबे भाई साहब उसके पीछे चार बंदे एक साथ रश करने के लिए आ गया है, अबे मत करो रश, नेट डाल रहा है रश मत करो भाई साहब, तो भी रश कर रहे हैं, नेट डाला, आवाज़ तो आती है ना किसी को नेट डालने की, भाई साहब 375 का डैमेज कहा था रश मत करो, नेट डाला है, लेकिन यहाँ पे आत्मन भाई साहब, अरे यार ग्लूअल डाल दिया, लेकिन आत्मन ने बहुत ही ओपी नेट किया, सबकी हेल्थ कम कर दी, अभी से भी कम कर दी, लेकिन वो ज़्यादा तक अभी तो क्या टीम के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने एक काम बहुत ही कर ओपी किया, ओपी जबरदस्त किया, सबकी टीम की लाइफ आज से भी कम कर दी। पीछे से मानो शानदार रश, और नॉकआउट भी हो गया, अभी 2 वर्सेस 2 डाय वर्सेस डाय डुओ वर्सेस डुओ, और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि अबे भाई साहब सिचुएशन 1 वर्सेस 2 यानी डुओ वर्सेस सोलो। अबे भाई साहब, अरे भाई साहब ड्राइव ट्रिपल किल, डेविल जेनिल ने अपनी कैप्टनशिप निभाई, ट्रिपल किल। सिर्फ दो नेड ने दो बंदे यानी कि मलय की टीम के 2 मेन प्लेयर को आधी से भी कम HP कर दिए है, सिर्फ 2 नेड ने जबरदस्त। और पिछली राउंड ऐसे जीता है, डेविल का 3 किल, जेनिल के 3 किल, और आत्मन के 2 पावरफुल नेड के बावजूद यहाँ पे रश करने के लिए डायरेक्ट आ गए, वो सबसे बड़ी भूल थी, यहाँ पे सबसे बड़ी भूल थी कि डायरेक्ट रश करने के लिए आ गए, संभल के खेलना होता तो आज वो जीत जाते, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि अभी 2 वर्सेस 4 है, और यहाँ पे जेनिल की अच्छे फॉर्म को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, यहाँ पे जेनिल बहुत ही ओपी खेलता हो, और यहाँ पे आगे नॉकआउट हो गया है, और जेनिल की HP बहुत ही कम है। अभी भाई साहब 1 वर्सेस 3 ख़त्म वीडियो, इम्पॉसिबल इट इज़, इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन अभी तो इम्पॉसिबल है ये सिचुएशन भाई साहब,
हैट्स ऑफ टू चेन्नई की टीम, क्या कमबैक किया, क्या कमबैक किया, आप स्कोरबोर्ड देख सकते हो।